नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक डेडोइड हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ Redmi Note 7 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो है चाइना में लॉन्च हो चुका है और फीचर जो है काफ़ी दमदार है, स्पेसिफिकेशन वगैरह काफ़ी तगड़े हैं और सब कुछ मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और ये फ़ोन यार कसम से, सच में यार, पावर पैक होने वाली है, धमाकेदार होने वाली है यार। और यहाँ पर जो Asus Realme 2 Pro या फिर जो भी कहिए, जो भी फ़ोन है नॉर्मल जो मिड रेंज में Redmi Note सीरीज को जो टक्कर देता था, वो सब फेल है इस Redmi Note 7 के सामने। सब फेल है। स्पेक्स को यार देखते रहो, आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा। जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, और भी इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए, और भी ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यार यहाँ पर बात करते हैं स्पेक्स की, बात करते हैं Redmi Note 7 के स्पेक्स की। तो ये जो है लॉन्च हो चुका है चाइना में। इसमें जो प्रोसेसर जो दी गई है वो है स्नैपड्रैगन का जो 660 वाला प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 660। और ये जो क्लॉक्ड है ये 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, जबकि Realme 2 Pro या फिर Asus की बात कर लें तो वो जो है अंडर क्लॉक्ड है, 1.8 या 1.9 समथिंग गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। तो इससे डिफरेंस अब यही रहेगा, Redmi Note 7 जो है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहेगा उन फ़ोन के कंपैरिजन में। तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पे जीपीयू की बात कर लें तो वो जो है 512 GPU है। अब यहाँ पर अगर कैमरे की बात कर लें, यार इसमें कैमरा का बहुत ही बड़ा अपग्रेड है। यहाँ पर Xiaomi ने काफ़ी धमाका मचा दिया यार। अब तक में Xiaomi के किसी भी फ़ोन में इतने मेगापिक्सल को नहीं दिया गया था यार। तो यार अगर जो हम इसके कैमरे की बात करें तो कैमरे में यहाँ पर यार आपको 48 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी जो सेंसर है वो आपको मिलेगा, और इसका जो सेकेंडरी सेंसर है रियर में जो डुअल कैमरा है उसका जो सेकेंडरी सेंसर है वो है 5 मेगापिक्सल का, वो जो है डेप्थ सेंसिंग में ये काम करेगा सेकेंडरी कैमरा। और यार ऐसे ही सेल्फी शूटर की बात कर ले तो वो जो है 13 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा। मतलब यार कैमरा इसका जो है काफी बवाल होने वाला है। अब देखते हैं एक्चुअल में जब लॉन्च होता है तो कैसा परफॉर्म कर पाता है ऑल अदर फोन के सामने। तो यार यहाँ पे और भी बात कर ले इसके बैटरी की, तो बैटरी में आपको 4000 mAh का आपको मिल जाता है बैटरी, जो कि आपको USB टाइप सी के साथ जो उस बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। अब तक के Redmi के किसी भी सीरीज में, Note 7 के सीरीज में किसी भी फ़ोन में आपको USB टाइप सी देखने के लिए नहीं मिला था। तो इस बार Xiaomi ने उन सब कमियाँ को पूरी कर दी है Note 7 में। यार USB टाइप सी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका एडवांटेज है कि डाटा ट्रांसफ़र अगर आप करोगे PC लैपटॉप में कहीं भी तो उससे भी फास्ट होगा, फास्ट में ट्रांसफ़र होगा। और अगर जो आप क्विक चार्ज 4.0 को, अगर आप क्विक चार्ज 4.0 भी सपोर्ट करता है बैटरी को चार्ज करने में, तो इसलिए बैटरी को आप काफ़ी फास्ट में चार्ज कर पाओगे क्विक चार्ज 4.0 की मदद से। अब पता नहीं Xiaomi जो है क्विक चार्ज 4.0 के अडेप्टर को देता है कि नहीं देता है। आई थिंक क्विक चार्ज 3.0 को ही देगा पैसे बचाने के लिए, लेकिन वो भी फास्ट चार्जर ही है। लेकिन एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा फास्ट चार्ज करने वाला वो जो है क्विक चार्ज 4.0 होता है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा। तो यार इसके डिस्प्ले की बात कर लें तो 1080p का फुल एचडी डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। और इसके जो स्क्रीन जो है, मैं इसकी बात कर लूँ तो यहाँ पर जो ये अब तक मैं जो भी Xiaomi अपने फ़ोन को लॉन्च करता था स्पेशली नोट सीरीज में, तो वहाँ पर जो है ग्लास को, इसमें कौन सा ग्लास लगाया गया है, कौन सा ग्लास यूज़ किया गया है, ये इसे स्पेसिफाई नहीं करता था। लेकिन इस बार जो है Xiaomi ने बता दिया है यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यार। अगर जो इस पे ये अगर गिर भी जाता है थोड़े बहुत सिनारियों में, तो गिरने के बाद ये फ़ोन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्क्रीन नहीं टूटेगा, ये बात है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज किया गया है। अब फ़ोन तो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। और इसके अब प्राइसिंग की बात कर लें तो प्राइसिंग में आपको जो 3 GB रैम 32 GB इंटरनल है वो आपको मिल जाएगा 11,000 के समथिंग में, और जो 4 GB रैम 64 GB इंटरनल के साथ आएगा जो फ़ोन, वो आपको मिल जाएगा 12,000 से 12,500 के अंदर आपको मिल जाएगा इंडिया में।
और 6GB रैम और 64GB इंटरनल वाले इस फ़ोन की बात कर लें तो वो आपको मिलेगा 14,000 के बीच। तो यार यही इन प्राइस के आपको बीच मिल जाएगा, तो इस बार जो है काफ़ी मतलब यार टक्कर ये देने वाला है उन रियलमी के फ़ोन को और आसूस के M2 को, मैक्स प्रो M2 को काफ़ी टक्कर देने वाला है। तो यार वेट करते हैं और आप अनबॉक्सिंग का वेट कीजिए, आपको जल्दी ही मिल जाएगा जब रिलीज होगा इंडिया में, आपको अनबॉक्सिंग वगैरह मिल जाएगा। और यार एक खास बात यहाँ पर देख सकते हो, इस बार जो है बिल्ड कलर, बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी गर्दा है और यहाँ पर कलर आप जब देखोगे तो ये ग्रेडियंट कलर में आता है, तो फ़ोन भी काफ़ी सेक्सी लुक में आपको ये मिलेगा। तो इसलिए यार अगर जो आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो देखो यार सब्सक्राइब का बटन है, अभी दबा दो सब्सक्राइब और भी अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।